या फिर कैरोना, यह एक एक्शन क्राइम हॉरर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी सेट है एक पोस्ट अपोकलैप्टिक वर्ल्ड में। सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसी दुनिया में टिशा नाम की एक असासियन अपने रूल्स के साथ जी रही है। वो एक ऑर्गन डीलर भी है जिसके साथ पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था, तो वो उसी चीज़ का बदला लेना चाहती है और यही उसके जीवन का लक्ष्य है। इस मूवी की स्टोरी काफ़ी हद तक मैड मैक्स मूवी से मिलती जुलती है और बहुत सारे सीन्स भी आपको उसी मूवी की याद दिलाएंगे। इसका इंग्लिश टाइटल है स्कैवेंजर और डायरेक्शन भी मुझे पसंद आया। परफॉर्मेंसेस भी मुझे अच्छे लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें दूसरी मूवी से कॉपी की गई है। बहुत सारे सीन्स आपको डर्टी लगेंगे और ये फैमिली के साथ देखने लायक मूवी बिल्कुल भी नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे पसंद आया और कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी अच्छे थे। स्क्रीन प्ले मुझे ज़रा गड़बड़ लगा, स्टार्टिंग और एंडिंग ठीक ठाक है लेकिन बीच में मूवी थोड़ी ड्रैग करती है। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है लेकिन ऐसा लगता है कि एक साथ एक ही जगह पे बहुत कुछ चल रहा है और सब कुछ सेम लगता है। हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई तो आप ज़रूर इसे हिंदी में देख सकते हो। ओवरऑल अच्छी मूवी है, अगर आप चाहे तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 5.5 out of 10। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर हिंदी डब मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यूज़ लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।